मेरी किताब तुम क्यों वापस नहीं कर रहे हो? पहले डब्ल्यू एच वर्ड ढूंढना होता है, क्यों, वाई, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आई एम, इज, आर, और वर्ब का आई एन जी फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है. वाई आर यू नॉट, वाई आर यू नॉट रिटर्निंग माई बुक, 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 वाई आर यू नॉट रिटर्निंग माई बुक. मेरी किताब क्यों वापस नहीं की जा रही है, ये प्रेजेंट, इसी सेंटेंस का ये पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम, इज, आर, यहाँ पर वी फोर है, उसी जगह बी फॉर बींग और उसके बाद वी थ्री का इस्तेमाल किया जाता है. वाई वाई आर माई बुक्स, वाई आर माई बुक्स, वाई आर माई बुक्स नॉट बींग रिटर्न, वाई आर माई बुक्स नॉट बींग रिटर्न, वाई आर माई बुक्स नॉट बींग रिटर्न, वाई आर माई बुक नॉट बींग रिटर्न, वाई आर माई बुक्स 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 नॉट बींग रिटर्न. तुम अपना होमवर्क पूरा कर रहे हो क्या, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आई एम, इज, आर, और वर्ब का आई एन जी फॉर्म. आर यू कंप्लीटिंग योर होमवर्क, 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 ये इसी सेंटेंस का एक पैसिव वॉइस है. देखिए यहाँ पर इज योर होमवर्क बींग कंप्लीटेड, 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 इज योर होमवर्क बींग कंप्लीटेड. तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस सेंटेंस है. व्हाई आर यू डूइंग सो, 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 व्हाई आर यू डूइंग सो. देखिए अभी आपको वीडियो पॉज करना है और इन पांचों सेंटेंसों की ओर देखते हुए इन्हें अंग्रेजी में बनाने की कोशिश करनी है. आपकी कोशिश आपके मोबाइल में आपको रिकॉर्ड करना है, उसकी रिकॉर्डिंग को फिर से सुननी है, उसमें क्या फॉल्ट है, क्या दोष है ढूंढ निकालने, फिर से कोशिश करने, फिर से रिकॉर्ड करना है, फिर से कोशिश करने, फिर से रिकॉर्ड करना है. इस तरह से 5-6 बार कोशिश करने के बाद जब आपको लगेगा कि मैं अच्छी तरह जैसे हिंदी बोलता हूँ उस तरह से मैं अंग्रेजी बोल पा रहा हूँ, तो फिर से वीडियो प्ले कीजिए और अगला पार्ट देखिए. देखिए मैं एक बार कोशिश करता हूँ. Why are you not returning my books? Why are my books not being returned? Are you completing your homework? Is your homework being completed? Why are you doing so? इस तरह से आपको आपकी कोशिश जारी रखनी है. इसके निचले हिस्से में और दो सेंटेंसेस है, उन्हें भी हम अंग्रेजी में बनाते हैं. देखिए तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इसका ये पैसिव वॉइस है, 12वां सेंटेंस, और उसके नीचे एक 13वां सेंटेंस भी है, उसे भी हम अंग्रेजी में बनाते हैं. तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, यह क्यों किया जा रहा है, जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है. देखिए इसमें डब्ल्यू एच वर्ड वाई, वाई इज दिस बीइंग डन, वाई इज दिस बीइंग डन, वाई इज दिस, वाई इज दिस बीइंग डन, 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 वाई इज दिस बीइंग डन. यह पुरानी कार तुमने क्यों बेची नहीं, यह पुरानी कार तुमने क्यों बेची नहीं. Why have you not sold this old car? 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 देखिए इसके नीचे सभी सेंटेंस यहाँ पर अंग्रेजी में दिए हुए हैं, लेकिन हमें अंग्रेजी नहीं पढ़नी है, अंग्रेजी सिर्फ हमारी सहायता के लिए है, हमें हिंदी की ओर देखते ही हमारी कोशिश जारी रखनी है. Why are you not returning my books? Why are my books not being returned? Are you completing your homework? Is your homework being completed?
Why are you doing this? Why is this being done? Why have you not sold this car? हमारी जो किताब है स्पीच चैलेंज टू स्पीक इंग्लिश, ये 448 पन्नों वाली किताब है। इसके हर एक पन्ने को हम वीडियो फॉर्म में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए हमारे वीडियोस देखते रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी दोस्त अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं उन्हें भी ये जानकारी दे कि वो भी हमारा वीडियो देखे, वे भी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।